हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे चैनल ने क्रॉस कर लिए हैं 1K सब्सक्राइबर्स। तो आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और आने वाली वीडियोस को भी बहुत सारा प्यार दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डेविल मूवी को, जो कि 2010 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन एरिक डाउडल ने और इस मूवी की IMDb रेटिंग्स हैं 6.2 out of 10। मूवी का नाम देखकर आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि ये मूवी किस पर बेस्ड है। इस मूवी में हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि एक एलिवेटर में फंस जाते हैं और इसी बीच डेविल उन पर अटैक करता है। मैंने आपको इस मूवी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है ताकि आपको इस मूवी को समझने में आसानी हो। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की इस मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक आदमी की आवाज़ सुनते हैं जो कि एक कहानी बता रहा होता है कि जब वो बच्चा था तब उसकी माँ उसे एक कहानी सुनाती थी कि शैतान कैसे धरती पर घूमता है। कई बार वो इंसान का रूप लेता है ताकि वो धरती पर उन बुरे लोगों को सजा दे सके, उनके प्राणों पर अधिकार करने से पहले। जिन्हें वो चुनता है वो इकट्ठे जमा होते हैं, उनमें से एक होने का दिखावा करता है। वो हमेशा मानता था कि उसकी माँ उसे एक अंधविश्वास की कहानी सुना रही है। उसकी माँ की कहानी हमेशा एक ही तरह से शुरू होती थी, एक आत्महत्या से, शैतान का आगमन तैयार करते हुए, और ये हमेशा खत्म होती थी उन लोगों की मौत से जो फंसे होते थे। इसके बाद हम व्यूवर्स पहले इस सीन में एक सुसाइड देखते हैं। इस सुसाइड को इन्वेस्टिगेट करने डिटेक्टिव बाउडन आते हैं और उनके साथ डिटेक्टिव मार्कोविट्स इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। उस आदमी की डेड बॉडी के हाथ में रोजरी होती है, यानी वो माला जिस पर क्रूसिफिक्स बना होता है। डिटेक्टिव बाउडन बताते हैं कि ये ट्रक अपने आप यहाँ पर आया है क्योंकि उस डेड बॉडी के आसपास कांच के टुकड़े पड़े हुए थे और जहाँ पर वो ट्रक था वहाँ पर कोई भी कांच वाली बिल्डिंग नहीं थी। वो ये भी बताते हैं कि जब उसने सुसाइड किया होगा तब उसकी बॉडी इस ट्रक पर गिरी और वो ट्रक सरक कर यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें काफ़ी सारे ऑफिसेस होते हैं। उस बिल्डिंग में एंट्री लेने से पहले उन्हें अपना नाम और उसका नाम लिखना होता था जिससे वो मिलने जा रहे हैं। इस बिल्डिंग में ज़्यादातर लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स के लिए आते हैं। अब हमें 5 स्ट्रेंजर्स दिखाए जाते हैं जो कि एलिवेटर नंबर 6 में जा रहे होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है पर तभी उनकी एलिवेटर रुक जाती है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स जिनका नाम रेमिरेस और लस्टिग होता है, वो बिल्डिंग के कंट्रोल रूम से देखते हैं कि एलिवेटर नंबर 6 इंस्पेक्शन मोड पर है। लस्टिग बिल्डिंग के टेक्नीशियन डॉइट को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम एलिवेटर नंबर 6 को चेक कर रहे हो। पर डॉयड एक टूटी हुई खिड़की को ठीक कर रहा होता है और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि इसी बिल्डिंग से उस आदमी ने सुइसाइड किया था। लस्टिक डॉयड से कहता है कि एक बार मशीन रूम में चेक कर लो क्योंकि एलिवेटर में लोग फंसे हुए हैं। एलिवेटर में फंसे हुए लोग उसके चलने का इंतज़ार कर ही रहे होते हैं तभी उसकी लाइट्स ऑफ हो जाती है। जैसे ही लाइट्स वापस ऑन होती है तभी एक यंग लेडी नीचे गिरी हुई होती है और उसकी पीठ पर काफ़ी चोट लगी होती है। यही चीज़ें रेमिरेज और लस्टिक एलिवेटर में लगे हुए कैमरे से देख रहे होते हैं और वो पुलिस को बुलाने का फैसला करते हैं। जब उस यंग लेडी के चोट लगती है तो उसके खून के निशान एक आदमी के कपड़ों पर लग जाते हैं। वो आदमी कहता है कि वो मुझ पर गिरी थी और इसी वजह से उसका खून मेरे कपड़ों पर लग गया। डॉल्ट कहता है कि उसे बेसमेंट में जाकर मेंस चेक करने होंगे। वो बेसमेंट में चेक करने जाता है और लस्टिक को बताता है कि यहाँ पर सब ठीक है। डॉयड कहता है कि अब उसे एलिवेटर में जाकर एलिवेटर को रीस्टार्ट करना होगा। जब वो वापस जा रहा था तभी उसे एक रकून दिखता है जो कि दूसरी एलिवेटर की स्प्रिंग्स के वहाँ होता है। उसे बचाने के लिए वो बिना देखे चला जाता है और जैसे ही वो उस रकून को उठाता है तभी वो एलिवेटर तेज़ी से उसकी तरफ आती है पर वो उन स्प्रिंग्स की वजह से बच जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डेविल ये नहीं चाहता कि एलिवेटर ठीक हो जाए और डेविल ने उसे मारने की कोशिश की। रेमिरेज उस क्लिप को फ्रेम्स बाय फ्रेम्स रिवाइंड करके देखता है जिसमें उस लेडी को चोट लगी थी क्योंकि उसे कैमरे में उन 5 स्ट्रेंजर्स के अलावा कुछ दिखा था।
वो एक चेहरे को देखते हैं और उसे देखने के बाद रेमिरेस प्रेयर करने लगता है। जो आदमी स्टार्टिंग में हमें एक कहानी बता रहा था वो और कोई नहीं बल्कि रेमिरेस था। अब वहाँ पर डिटेक्टिव बाउडन और मार्कोविट्स आ जाते हैं और डिटेक्टिव बाउडन उन लोगों से कहता है कि हम आपको यहाँ से जल्द निकाल लेंगे। लस्टिक बाउडन को बताता है कि उनका एक इंजीनियर लिफ्ट को ठीक करने में लगा हुआ है, पर जैसा कि वो आदमी इस बिल्डिंग में मैकेनिक के तौर पर काम करता है तो बाउडन रेमिरेस को एलिवेटर कंपनी से किसी को बुलाने के लिए कहता है और मार्कोविट्स को फायर डिपार्टमेंट से कुछ लोग बुलाने को कहता है। इन्हीं बातों के दौरान लस्टिक बताता है कि वहाँ पर उनका गार्ड भी है जिसका नाम बेन है, पर वो टेम्प्ररी काम कर रहा है। बाउडन मार्कोविट्स को बेन की सारी डिटेल्स निकालने को कहता है। बाउडन बाकी लोगों के नाम जानने के लिए उनके ड्राइविंग लाइसेंस कैमरे के पास लाने को कहता है। उनमें से एक ओल्ड वूमेन अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है पर बाउडन को कुछ क्लियर नहीं दिखता और वो एंट्री बुक से उनके नाम देखने की कोशिश करते हैं। बाउडन मार्कोविट्स और लस्टिक बाहर रिसेप्शन पर एंट्री बुक में उनका नाम चेक करने जाते हैं और रेमिरेस कंट्रोल रूम में अकेला होता है, पर फिर से उस लिफ्ट की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और जैसे ही लाइट ऑफ होकर ऑन होती है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगर आपको तो गाइज ये था इस मूवी का पार्ट वन और अब आप में से काफ़ी लोग कमेंट करने वाले हैं कि भाई बड़ी वीडियो बनानी थी, पूरी मूवी एक्सप्लेन करनी थी ना, और भी बहुत से कमेंट जो कि वीडियो की लंबाई से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मुझे वीडियो पार्ट्स में डिवाइड करनी पड़ी और आने वाली वीडियोस में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक ही वीडियो में पूरी मूवी एक्सप्लेन कर दूं। आई होप कि आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखोगे और आप सबको फिर से थैंक यू कि आप सब ने इतना सपोर्ट किया कि हमारे चैनल ने 1K सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो और अगर आपको कोई भी वीडियो सजेस्ट करनी है जो कि हॉरर जेनरे से रिलेटेड हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद दोस्तों। भाई 1K की पार्टी तो देगा ना? नहीं।